Good morning, students. In this video, we are going to learn how to make a rhyming scheme of a stanza. Dear students, exam में कई बार ऐसा question पूछ लिया जाता है कि इस stanza की rhyming scheme लिखिए. तो rhyming scheme कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कोई book में दे रखी है और उसको आप रट कर लेकर और आपने exam में लिख दिया. बल्कि ये एक बिल्कुल सिंपल सा formula है. यदि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे तो आप किसी भी stanza या किसी भी poem की rhyming scheme बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम यही आज सीखने वाले हैं कि किस तरीके से एक स्टैंजा की राइमिंग स्कीम निकालते हैं. और इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोयम है जो जॉन कीट्स ने लिखी है, फ्लेमिंगो 12th क्लास की बुक में ये है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़े हम एक चीज और डिस्कस कर लें थोड़ा सा यहाँ पर कि एक क्वेश्चन जब हम छोटे होते हैं, मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में, एक क्वेश्चन और अक्सर पूछा जाता है कि इस स्टैंजा का या इस पोएम में से कुछ राइमिंग वर्ड्स चूज कीजिए. तो यहाँ पर हमारी दो चीजें बन जाती है, एक राइमिंग वर्ड्स और एक राइमिंग स्कीम. तो इनमें कन्फ्यूज ना हो, अगर राइमिंग वर्ड्स पूछे गए हैं तो वो अलग चीज होती है और राइमिंग स्कीम पूछी गई है तो वो अलग है. हालांकि दोनों ही राइमिंग वर्ड्स और राइमिंग स्कीम एक दूसरे से रिलेट करते हैं. राइमिंग स्कीम तभी आप निकाल पाएंगे, पहले आप राइमिंग वर्ड्स पर ध्यान देंगे. तो हम समझ लेते हैं एक बार कि राइमिंग वर्ड्स क्या है और राइमिंग स्कीम क्या है दोनों. ठीक है स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं. देखिए राइमिंग वर्ड्स जो निकालने की बात होती है, तो राइमिंग वर्ड्स हम देखते हैं कि जो लाइन का सबसे लास्ट वाले वर्ड्स होते हैं उनको आप देखेंगे कि ऐसे वर्ड जो एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते का मतलब जिनकी साउंड एक जैसी होती है, अर्थात जो राइम बनाते हैं, और राइम बनाने का मतलब है एक दूसरे के साथ लय बनाते हैं, वो राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं. जैसे कि फॉरएवर नेवर, दोनों एक दूसरे को राइम कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स हैं. इसी तरीके से कीप एंड स्लीप, कीप एंड स्लीप दोनों आपस में राइमिंग वर्ड हैं. नेक्स्ट देखेंगे ब्रीदिंग एंड रेदिंग, ब्रीदिंग एंड रेदिंग दोनों का साउंड एक जैसा है, दोनों एक दूसरे से राइमिंग वर्ड्स हैं. तो ये तो कहलाते हैं हमारे राइमिंग वर्ड्स. लेकिन राइमिंग स्कीम क्या होती है? राइमिंग स्कीम एक अलग तरह से होती है, इन सबका एक अपना क्रम होता है, वो राइमिंग स्कीम होती है. और राइमिंग स्कीम हो सकती है ए बी सी डी ई एफ, जो अल्फाबेट है हमारे उनके जो लेटर्स हैं अल्फाबेटिकली वो होती है. अब अल्फाबेटिकली का मतलब सीक्वेंस में नहीं बल्कि अल्फाबेट में वो बनाई जाती है. अब कैसे बनाई जाती है इसके बारे में हम बात करते हैं. देखेंगे जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, तो सबसे ऊपर वाली लाइन का जो लास्ट वाला वर्ड है उसको हमने एक मार्क दे दिया ए, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि ए बी सी डी ई में निकालते हैं, अल्फाबेटिक लेटर्स में निकालते हैं, तो सबसे पहले हमने इसको मार्क दे दिया ए. अब क्या करना है हमें, जो सबसे पहला वर्ड है फॉर एवर, फॉर एवर के जैसे जो राइमिंग वर्ड्स हैं, ऐसे कोई भी वर्ड जो फॉर एवर से राइमिंग कर रहा है उसको हम सबको ए ए मार्क्स देंगे. और ये हम पूरे स्टैंजा में ऊपर से लेकर नीचे तक देखते चले आएंगे. तो देखते हैं फॉर एवर को राइमिंग कर रहा है नेवर, इसको भी हमने ए वर्ड मार्क दे दिया. अब इसके अलावा यदि नीचे लाइन में कोई सी भी लाइन में हमारा कोई ऐसा वर्ड है जो फॉर एवर को मैच करता है अर्थात राइमिंग बनाता है, तो उसको भी हमें ए मार्क देना है. ये दोनों इत्तेफाक है कि दोनों एक साथ ही आए हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक साथ ही आते हैं. कई बार ऐसे भी होता है कि दूसरी वाली लाइन का ये मैच नहीं करता, राइम नहीं करता, और तीसरी चौथी में जाके राइम करता है. तो हमें जो मार्क करना है वो वही लाइन का वर्ड मार्क करना है जो पहले वाले वर्ड से अर्थात फॉर एवर से मैच करता हुआ या राइमिंग बनाता हुआ है. ठीक है, अब एक पॉइंट हमारा यहां पर क्लियर हो जाता है. अब हम देखते हैं कि ऐसी लाइन देखें हम जिसमें जो सबसे ऊपर हो लेकिन जिसको मार्क नहीं किया गया हो. तो इसमें देखेंगे सबसे ऊपर वाली लाइन तो ये है लेकिन इसको तो मार्क कर दिया गया है इन दोनों को. अब इसके बाद आती है लाइन हमारी ये वाली जिसमें कीप है. अब इसको हमने क्या मार्क करना है, ए के बाद बी मार्क हमने इसको देना है. अब बी मार्क हम उन सभी वर्ड को या उन सभी लाइन को देंगे जो लाइन या जो वर्ड कीप से राइम बनाती हैं. ठीक है, अब जैसे कि कीप स्लीप, तो इसको भी हमने बी मार्क कर दिया. अब इसके अलावा अगर और कोई वर्ड ऐसा है जो कीप से राइम करता हुआ है तो हम उसको भी बी मार्क देंगे. लेकिन देखेंगे कीप के अलावा, कीप और स्लीप दोनों के अलावा कोई और लाइन ऐसी नहीं है जहां कोई कीप को राइम करता हुआ वर्ड हो.
ठीक है। अगर यहां पर देखेंगे इसके नीचे अगर तीसरी नेक्स्ट लाइन होती और उनमें भी कोई ऐसा वर्ड होता लास्ट में जो कीप को राइम करता हुआ होता तो उसको भी हम बी मार्क देते। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। फिर हम देखते हैं इसके बाद, ये हमने मार्क कर दिया, ये हमने मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया। इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है, मतलब देखेंगे सबसे ऊपर वाली लाइन जो मार्क नहीं की गई हो, तो अब ये वाली लाइन हमारे पास बचती है। इसको हमने दे दिया नेक्स्ट लेटर सी। अब फिर वही तरीका है कि हम जो सी वर्ड दे रहे हैं, सी मार्क दे रहे हैं, उन सबको देंगे जो ब्रीदिंग से राइम करते हुए हैं। जैसे ब्रीदिंग से राइम करते हुए रेडिंग, इसको भी सी दे दिया। फिर आगे आती है बात, यदि इसके नीचे और नेक्स्ट लाइन होती और कोई सी भी लाइन ब्रीदिंग को मैच करती अर्थात राइमिंग करती हुई होती तो उसको भी हमें सी मार्क करना होता, लेकिन इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, यहां तक हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब ये हो गए हमारे सारे ही, हमने उसको मार्क कर लिया है। अब इनको हम ऊपर से क्रम वाइज लेते हुए एक राइमिंग स्कीम तैयार कर लेंगे, जैसे कि राइमिंग स्कीम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ले लिया ए, फिर हमने ले लिया सॉरी ए, ये बी, ये ले लिया फिर से बी, और आगे फिर ये ऊपर से सी, और उसके बाद फिर ये सी। तो ये हो गई हमारी राइमिंग स्कीम ए ए बी बी सी सी। स्टूडेंट्स, दैट इज द वे टू फाइंड आउट ए राइमिंग स्कीम स्कीम ऑफ ए स्टेंजा और ए पोएम। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।